आवक ना जावक, इस तरह से हमारे व्यापारी को बहुत परेशान हुई थी। पर ये टेम्पू वाले भी अपनी जगह पे सही है, इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है डेली हमारे। रोड की समस्या और हमारे प्लेटफॉर्म की समस्या को लेके जो टेम्पो वालों ने हड़ताल करी है, 300 टेम्पो वालों की हड़ताल करी गई थी, ना माल आवक ना जावक, इस तरह से हमारे व्यापारी को बहुत परेशान हुई थी। पर ये टेम्पो वाले भी अपनी जगह पे सही है, इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है डेली हमारे सेक्रेटरी साहब को पहले भी हमने बोल रखा था, पर सेक्रेटरी साहब ने आज हमारा आश्वासन दिया है कि एक महीने के अंदर काम चालू किया जाएगा। उसके बाद आप आश्वासन के बाद टेम्पो को आना जाना शुरू कर दिया? अभी टेम्पो आना जाना चालू हो चुका है, सेक्रेटरी साहब ने हमारे ग्रीन सिग्नल दिया, उसके बाद ही टेम्पो वालों ने आवाज जावाज चालू करी। कितने साल से समस्या आ रही है? ये 5 साल से समस्या आ रही है, पर हमारे सेक्रेटरी साहब का कहना यही है। तरह की परेशानी आती है आपको? हमारे प्लेटफॉर्म के रोड से ज्यादा सबसे बड़ी समस्या प्लेटफॉर्म और रोड की है। और हमारे सेक्रेटरी साहब का ये कहना था कि हमारे बहुत टाइम तक फंड में पैसे नहीं थे, अब हम उनका आश्वासन यही है कि फंड में पैसे आ चुके हैं और एक महीने के अंदर काम चालू किया जाएगा। आपका परिचय? प्रशांत भोजवानी, महासचिव फल मार्केट अजमेर। व्यापारी एसोसिएशन और ये टेम्पो यूनियन वालों की काफी लंबे समय से इनकी मूलभूत जो सुविधाएं जैसे रोड हो गई और प्लेटफॉर्म, वो जर्जर अवस्था में है। और मंडी वालों के पास केवल एक ही बहाना है कि हमारे पास फंड नहीं है। व्यापारी जो आड़ती आता है उनसे पैसे लेते हैं, ये व्यापार अपना करेंगे। लोडिंग टेम्पो वाले की ये कहना है कि हम 300 रुपये कमाते हैं और 600 रुपये का टेम्पो में नुकसान हो जाता है, हम टेम्पो की किस्त नहीं भर पा रहे। इतने परेशान है ये लोग कि इनका जीवन यापन करना बड़ी मुश्किल है। इन्होंने आज सुबह 6 बजे से 300 टेम्पो वालों ने लंबा एक रूट बना के व्यवस्था से किसी प्रकार की आमदनी हो, मंडी का व्यापार आवागमन बंद है, अभी जाके आवागमन चालू हुआ है, ना माल लोड हुआ है ना अनलोड हुआ है। अगर एक महीने के अंदर आज सेक्रेटरी साहब ने, अभी मैंने बात करी सेक्रेटरी साहब, 6 बजे से ये लोग कंटिन्यू मांग कर रहे थे, सेक्रेटरी साहब नहीं आए, अभी जाके सेक्रेटरी साहब आए, ये लोग सुबह से कंटिन्यू सेक्रेटरी साहब का इंतजार कर रहे थे। अभी आश्वासन दिया है सेक्रेटरी साहब ने कि 1 बजे ये इसकी रिपोर्ट JEM को करवा देंगे और 30 दिन के अंदर यदि रोड नहीं मिला तो टेम्पो वाले सब मिलकर मंडी को अनिश्चितकालीन के लिए बंद करेंगे, जिसका जिम्मेदार मंडी प्रशासन से। आपका परिचय? सागर मीणा।